Assalamu alaikum dear students. In the previous session we have studied about the variables, constant of C++ programming. We have also seen the rules for specifying variable names. Similarly, we have studied the C++ data types, integers, floating points, characters. Now we will move forward and we will see what is constant qualifier. You all are seeing on the screen what is constant qualifier. Constant in C++, constant defines a variables. In C++, constant defines a variable whose values cannot be changed throughout the program. It has the following syntax: constant data type, variable is equal to constant. For example, integer age is equal to 34, constant float length is equal to 7.5. Now I will explain to you. First, see, in C++, constant defines a variable. एक ऐसा वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं जिसकी वैल्यू पूरे प्रोग्राम में चेंज नहीं होती. एंड इट हैज द फॉलोइंग सिंटैक्स. इसका सिंटैक्स है, ये कांस्टेंट कीवर्ड है. इसका मतलब है आगे मेंशन करेंगे इसकी डेटा टाइप कौन सी है. ये वेरिएबल इंटीजर है, फ्लोट है, क्या वेरिएबल नेम होगा इज इक्वल टू कांस्टेंट, उसको कांस्टेंट वैल्यू दे देंगे. जब हम उसको पूरे प्रोग्राम में यूज करेंगे तो उसकी वैल्यू वही रहेगी जो हमने यहाँ पे मेंशन कर दी. फॉर एग्जाम्पल, अब देखें कांस्टेंट इंटीजर एज. अब एज एक वेरिएबल है, एज इज नेम ऑफ वेरिएबल, और इसकी डेटा टाइप इंटीजर है, और इसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी. और क्या कांस्टेंट रहेगी? 34 जो हमने मेंशन कर दी. अब इस प्रोग्राम के अंदर जो हम एज यूज करेंगे, इस प्रोग्राम के अंदर जिसमें हम ये कांस्टेंट डिक्लेयर कर रहे हैं, उसमें एज हम जहां भी यूज करेंगे वो ऑटोमेटिकली 34 वैल्यू उठा लेगा. इसी तरह कांस्टेंट फ्लोट लेंथ इज इक्वल टू 7.5. अब लेंथ वेरिएबल है, डेटा टाइप इसकी फ्लोट है, और इसकी जो ये कांस्टेंट ये डिफाइंस करता है, ये डिक्लेयर करता है कि फ्लोट एक कांस्टेंट वैल्यू है और उसमें 7.5 स्टोर है. सो वी कैन से दैट कांस्टेंट डिफाइंस अ वेरिएबल हुज वैल्यूज कैन नॉट बी चेंज थ्रू आउट द प्रोग्राम. व्हाट इज वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन? किसी भी प्रोग्राम में वेरिएबल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे किया जाता है. डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल मींस स्पेसिफाइंग द डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल. डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल मींस स्पेसिफाइंग द डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल. फॉर एग्जांपल, अभी हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर एक्स वाई जेड. अभी एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल है जो डिक्लेयर हो गए हैं जिसकी डेटा टाइप इंटीजर है. इसी तरह फ्लोट लेंथ ब्रेथ सम, अभी 3 वेरिएबल हैं जिनकी डेटा टाइप फ्लोट है. इसी तरह करेक्टर सी एच, ये वेरिएबल है जिसकी डेटा टाइप करेक्टर है. वेरिएबल इनिशियलाइजेशन. वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या है? इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल मींस असाइनिंग इट एन इनिशियल वैल्यू. फॉर एग्जांपल, इंटीजर एक्स इक्वल टू 4, वाई इक्वल टू 5, जेड इक्वल टू 10. अब जब वैल्यू को इनिशियल फर्स्ट वैल्यू दी जाती है या वैल्यू असाइन की जाती है, इट मीन वेरिएबल इनिशियलाइजेशन. फर्स्ट है वेरिएबल डिक्लेरेशन. वेरिएबल डिक्लेरेशन में जस्ट आप मेंशन करते हैं उसकी डेटा टाइप इंटीजर है या फ्लोट है, और इनिशियलाइजेशन में उसकी वैल्यूज दी जाती है अकॉर्डिंग टू देयर डेटा टाइप. फॉर एग्जाम्पल, अगर वैल्यू इंटीजर है जिस तरह एक्स वाई जेड 3 इंटीजर है, तो हम इसको 4, 5 और 10 वैल्यूज दे रहे हैं. और अगर वेरिएबल फ्लोट है जिस तरह लेंथ ब्रेथ, तो हम उसको फ्लोट वैल्यूज 12.5 और 15.25 दे रहे हैं. इसी तरह अगर वेरिएबल करेक्टर है, डेटा उसकी करेक्टर है सी एच, ये करेक्टर वेरिएबल है, हम उसमें कोई अल्फाबेट करेक्टर उसको हम असाइन कर रहे हैं. नो मूव टुवर्ड द सेकेंड What is input and output handling in C++? In C++, input and output is performed by using streams. A stream is a sequence of data that flows in and out of the program. The cin and cout are the standard statement that use the iostream.h header file for performing I operation. Therefore, it must be included at the beginning of the program.
सी प्लस प्लस प्रोग्राम में हम जितने भी इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन करते हैं उसके लिए वी मस्ट इंक्लूड iostream.h हेडर फाइल। अभी जो iostream.h हेडर फाइल है इसके अंदर इनपुट और आउटपुट के जो हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं उसका उसकी पूरी क्लास इसके अंदर डिफाइन होती है कि ये ऑब्जेक्ट कैसे काम करेंगे। और सी इन और सी आउट ये दो ऐसी कमांड है, सी इन यूज होती है सी प्लस प्लस में, सी इन यूज होती है डाटा एंटर करने के लिए बाय द यूजर आफ्टर एग्जीक्यूशन, एंड सी आउट यूज सी आउट ऑब्जेक्ट और कमांड यूज होते हैं कि डाटा को मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, बोथ आर दी स्ट्रीम्स। व्हाट इज स्ट्रीम? अ स्ट्रीम इज अ सीक्वेंस ऑफ डाटा दैट फ्लोस इन एंड आउट ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, फॉर सी इन सी आउट टू यूज दीज स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स वी हैव टू यूज द iostream.h हेडर फाइल्स फॉर परफॉर्मिंग आईओ ऑपरेशन। देयरफॉर दीज दिस हेडर फाइल इज इंक्लूडेड एट द बिगिनिंग ऑफ द ऑल सी प्लस प्लस प्रोग्राम। Similarly, the function getch gets inputs are also used for handling input and output operation, and we will study it about these functions in the next chapter. What is the cout statement? What is the cout statement? The cout statement is used to output text or values on the screen. The following is the syntax of cout statement. Of cout character string and variable. Cout use hoti to output on the monitor screen. Monitor screen ke upar output display karne ke liye cout object use karte hain, cout command use karte hain. Iski class iostream.h ke andar define hai. The keyword cout is used within insertion operator on itself. Ab iske sath ye jo operator nazar aa raha hai, ye smaller sign ka ye do dafa, ise it is known as insertion operator in C++. And it is always used with the cout statement. Now let's see the program. For example, the following program tells the use of cout statement. It is the program include iostream.h. Main program starter integer a is equal to 12. Integer a में 12 value. Cout the value stored in a is a. अब a के अंदर जो value store है वो print हो जाएगी. Again see this program, main से program start हो रहा है, header file include a, a में value 12 जा रही, 12 value a variable में जाके store हो रही है. The output of the program is, अब the value of a is stored in a's, अब a के अंदर 12 है, 12 print हो जाएगा. अब this program shows the behavior of cout statement, कि cout statement की वजह से ये screen के ऊपर, ये जो नीचे जहाँ में arrow rotate कर रहा है, यहाँ पे ये output screen के ऊपर जो है वो show जाएगी, the value stored in a is 12. This is the behavior of cout statement. When we have to print the output on the monitor screen, then we must use cout statement. And if we don't use the cout statement, then we cannot get the output on the monitor screen. आप जितनी मर्जी calculation करा रहे हैं, जो आपको formula लगा रहे हैं, जब तक आप cout command use नहीं करेंगे, आपकी monitor screen के ऊपर जो है output display नहीं होगी. And for this cout or scene command, we must use iostream.h header file. Now we will move toward the cin statement. What is the cin statement? The cin statement is used to input data from the keyboard and assign it to one or more variables. The following is the syntax of cin statement. Cin variable. अब इसके साथ extraction operator use हो रहा है. Maths में इसको greater than sign कहते हैं. यहाँ पे इसको extraction operator कहते हैं. The keyword cin is used with the extraction operator on its right side. It causes the program to wait for the user to input data. अब देखें cin के साथ ये जो operator use हो रहा है ये extraction operator use हो रहा है. अब ये variable के अंदर data को input करने के लिए use हो रहा है. अब जब क्या होता है, अब इधर देखें cin statement. अब क्या होगा कि जब user program run होने के बाद ये user से उसकी input लेगी. This is the example of cin statement. The following program tests the use of cin statement. Include iostream.h header files used for input output handling. Main function start हो रहा है. ये function की बड़ी there many bracket है. ये bracket यहाँ close हो रही है. Integer n. Cout integer enter n integer cin n. Cout the number you type is n. अब इसकी output देखें integer enter n integer 7. The number you type is 7. अब देखें कि ये आउटपुट रन होने के बाद जहां पे ये यूजर से ले रहा है इंटर एंड इंटीजर, जैसे यूजर इंटर करेगा 7 इसकी आउटपुट आ जाएगी द नंबर यू टाइप इज 7.
अब सी आउट ये जो इंटर एन इंटीजर ये मैसेज डिस्प्ले हो रहा है स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट का, ये इंटर इंटीजर। अब ये जो सेवन वैल्यू हम इंटर कर रहे हैं ये सीधा जाके इस वेरिएबल एन में स्टोर हो रही है। उसके बाद सी आउट द नंबर यू टाइप इज एन, द नंबर यू टाइप इज सेवन, इस सेवन वैल्यू जो है इट विल प्रिंट ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। नाउ व्हाट इज एस्केप सीक्वेंस? Escape sequences are special characters used to control the output look on output versus. Output look ko control karne ke liye we have to use escape sequence. An escape sequence begins with the black slash followed by a code character. And we will see in the next slide what is code character. Escape sequences are used for special purpose in programming such as to begin printing on the next line pe print karne ke liye, to issue a tab, tab issue karne ke liye, to print special character or special characters. Escape sequence ये कि प्रोग्राम की आउटपुट कैसे नजर आ रही होगी मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर, सीधा escape code. Generally हम यूज करते हैं स्लैश एंड प्रोग्राम के एंड, हर लाइन के एंड पे। व्हाट इज द पर्पस? इट मूव्स कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन। इससे क्या होता है कि अब आप जो नेक्स्ट आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन पे, अब एक ही लाइन पे सब आउटपुट नहीं आएंगी, आउटपुट जो नेक्स्ट आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर वो शो हो जाएगी। अब देखें इस प्रोग्राम में, अब इस प्रोग्राम में इंटर एन इंटीजर एन, अभी वैल्यू एन प्रिंट हो रही है, द नंबर यू टाइप इज एन। अब इस प्रोग्राम में अभी हमने स्केप सीक्वेंस यूज नहीं किए। अब वैसे तो आउटपुट में ये आपको अलग अलग नजर आ रहा है, लेकिन जब इसको हम प्रिंट करेंगे तो ये सब इंटर एन इंटीजर सेवन, द नंबर यू टाइप इज सेवन, एक ही लाइन पे प्रिंट हो जाएगा। हमें इन प्रोग्राम में आगे हम जो प्रोग्राम आएंगे उसमें हम स्केप सीक्वेंस प्रॉपर यूज करेंगे, फिर हम उसकी आउटपुट, we will see their output. Similarly, some escape sequence, if we use slash a, it produces alert b. If we use slash b, it moves cursor backward by one position. And if we use slash n, generally we use slash n, it moves cursor to the beginning of next line. Similarly, if we move slash r, it moves cursor to the beginning of current line. If we use slash t, move cursor to the next horizontal tabular position. हम ये सारे सीक्वेंस के जो फॉर्मेट है हम ये नेक्स्ट अपने प्रोग्रामिंग में देखेंगे, लेकिन जनरली हम 80-90% स्लैश एन या एंड एल जो है वो यूज करते हैं। स्लैश एन ये क्या करता है कि जो इसके बाद जो आउटपुट आ रही होती है वो नई लाइन को प्रिंट हो जाती है, वो उसी लाइन को प्रिंट नहीं होती है। दिस इज द स्टूडेंट एक्टिविटीज कि आपने क्या करना है कि बुक में आपके एक सिंपल प्रोग्राम लिखे हैं पेज 53 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर वन एंड क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर वन ने राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स थ्री इंटीजर एंड प्रिंट देयर सम एंड प्रोडक्ट, प्रिंट देयर सम एंड प्रोडक्ट, ये क्वेश्चन नंबर वन है पेज 53 ऑन टेक्स्ट बुक। सब बच्चे देखें पेज 53 ऑन टेक्स्ट बुक, क्वेश्चन नंबर वन ने राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स थ्री इंटीजर एंड प्रिंट देयर सम एंड प्रोडक्ट। थ्री इंटीजर वो ऐड करे, थ्री इंटीजर लेगा यूजर से बाय सी आउट और सी इन स्टेटमेंट्स, उसमें यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला ऑफ सम एंड प्रोडक्ट और इसका प्रिंट करना है। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है, ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वन लिखा हुआ है, मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर टू, इसको क्वेश्चन नंबर टू कर लें। सेकंड क्वेश्चन है राइट द प्रोग्राम दैट रीड्स द बेस एंड हाइट ऑफ अ ट्राइंगल एंड प्रिंट एरिया यूजिंग फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, कि वो इंटर करना है बेस और हाइट और उसका एरिया प्रिंट करना है। दिस इज ऑन पेज 42, you have to solve these two programs. आपने ये दोनों प्रोग्राम्स C++ अपने उसमें टर्बो C++ में इसको राइट करना है प्रोग्राम को, और कंट्रोल प्लस F9 प्रेस करके आप इसको कंपाइल और रन करेंगे और उसके आउटपुट चेक करेंगे। वेरी सिंपल प्रोग्राम, पेज 53 एंड 54 ऑन द टेक्स्ट बुक, एंड वी विल डिस्कस दीज प्रोग्राम इन द एंड वी विल डिस्कस इन डिटेल दिस प्रोग्राम इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोग्राम के ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे। अभी आप सब बच्चों तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये एक्टिविटी कि आपने प्रोग्रामिंग क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर टू जो पेज 53-54 पे, यू हैव टू राइट दिस प्रोग्राम ऑन योर C++ टर्बो। आपने टर्बो C++ में जो आपके लैपटॉप पे कंप्यूटर पे इंस्टॉल है, यू हैव to perform this program and to see its output. आपने ये प्रोग्राम्स लिखने और आपने इसकी आउटपुट चेक करनी, एंड एंड इन द नेक्स्ट वीडियो
we will detail see the behavior of these programs. And now our question answer session starts. Any students finding any difficulties in today's lecture, he can ask question.